नमस्ते, हमारे चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे पनीर पकौड़ा। पकौड़ी बनाने के लिए हमने इतने पनीर लिए हैं और ये आधा कटोरी बेसन है। इसमें हम 2-3 चम्मच डालेंगे ये चावल का आटा। और 1/2 टीस्पून डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार। अब इसको हम पानी डाल के फेंटेंगे। इसमें हम 2 चुटकी डालेंगे बेकिंग पाउडर। बेसन में हम थोड़ा सा डालेंगे रेड चिली पाउडर। इसको भी इसमें हम मिक्स कर देंगे। बेसन हमारा घुल गया है और इस पनीर के ऊपर हम थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, जिसमें अंदर से फीके ना लगे और हल्का सा नमक डालेंगे। पनीर में मिक्स कर देंगे इसको। ये ऑयल हमने पहले से रख दिया था, ये गरम हो गया है। अब इसमें हम फ्लेम को लो कर देंगे। अब इसमें हम ये एक एक पनीर का टुकड़ा उठा के इसको बेसन में लपेट के हम पकौड़ी बनाएंगे। फ्लेम को मीडियम कर देंगे। अब इसको गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे उलट पलट के। पकौड़े हमारे फ्राई हो चुके हैं, इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। पनीर के पकौड़े बनके हमारे रेडी हैं। अब इसके ऊपर हम हल्का सा चाट मसाला डाल देंगे। आप लोगों को हमारे पनीर के पकौड़े की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू।